जी सरकार, अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं पॉलीगॉन के हवाले से। हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये फॉर्मूला हमें किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल के दे सकता है, जो हमने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पर वेरीफाई कर लिया। अच्छा जी, अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पे पेंटागॉन की बात करेंगे। जब आप पेंटागॉन की बात करोगे, इसका मतलब है एन की जगह आपको 5 रखना होगा। 5 - 2 × 180, 3 × 180 एंड दिस इज 540। आप देख सकते हैं इट्स अ डिफरेंट रिजल्ट। तो अगर किसी भी पेंटागॉन में यानी 5-sided डायग्राम के अंदर वाले 5 एंगल को ऐड करें तो रिजल्ट 540 आएगा। लेट्स ट्राई हेप्टागॉन। तो हेप्टागॉन क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 7 साइड्स हो, उसको हेप्टागॉन कहते हैं। यानी अब आप n की जगह 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं n की जगह 7 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 7 - 2 × 180। सरकार ये हो गया 5 × 180, रिजल्ट आ रहा है आपके पास 900। तो हेप्टागॉन के सारे एंगल ऐड किया जाए आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो बन रहा है सरकार 900 डिग्री। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, फिर हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 15-sided पॉलीगॉन, मतलब वो पॉलीगॉन जिसके अंदर 15 साइड्स हो, तो ये तो वैसे ही नजर आ रहा है कि n की जगह हमें 15 सब्स्टिट्यूट करना होगा। आइए 15 रख के देखते हैं। तो 15 - 2 × 180, 13 × 180 सरकार ये बनता है 2340। यानी अगर आप 15 इंटीरियर एंगल ऐड करोगे तो उनको मिला करके जो रिजल्ट आ रहा है वो ये रिजल्ट आएगा। अच्छा सरकार, अब मैं आपके सामने एक और चीज शेयर कर रहा हूँ, ओके आइए देखते हैं। जी, पॉलीगॉन के हवाले से डिस्कशन हम बात कर रहे हैं। जी, डिस्कशन ये कहता है कि जैसे आपने इंटीरियर एंगल्स को ऐड करा, पेंटागॉन है तो 5 इंटीरियर होंगे, हेक्सागॉन है तो 6 इंटीरियर होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक्सटीरियर एंगल भी तो बनता है। जैसे अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक पेंटागॉन बनाता हूं तो आपको 5 इंटीरियर एंगल नजर आ रहे हैं वाजे तौर पे। तो सरकार 5 एक्सटीरियर एंगल भी तो होंगे, 5 एक्सटीरियर भी तो होंगे, उनका सम कितना होगा? तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, sum of exterior angles is always equal to 360, है?
क्या कह दिया मैंने भाई, मतलब पॉलीगॉन कोई भी हो। देखिए मैंने ये नहीं लिखा कि मैं पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं, मैंने डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाई कि आपको समझा सकूं। अदरवाइज दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर एवरी पॉलीगॉन, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागॉन हो, चाहे हेक्सागॉन हो, चाहे हेप्टागॉन हो, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, अगर आप उसके सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो आंसर 360 के बराबर होगा। ये बात कैसे, ये कैसा मुमकिन है, कैसे मुमकिन हो सकता है कि 6 एंगल ऐड करें, 8 एंगल ऐड करें, 12 एंगल ऐड करें, आंसर हमेशा 360 आएगा, ये कैसे मुमकिन? आइए इस बात को बताते हैं मुमकिन कैसे। मैं इसी पॉलीगॉन से सिलसिला शुरू कर रहा हूं, ठीक है सर, आज और से देखिएगा। ये एक पॉलीगॉन है, इसके इंटीरियर एंगल हैं 5, हमें नहीं पता इनके एंगल कितने डिग्री के, हमें ये भी नहीं पता कि ये इक्वल है, हमें ये भी नहीं पता। तो हमने कहा कि अगर मैं इस एंगल को कहूं यार ये एंगल ए है, बिल्कुल कह सकते हैं आप, एंगल बी, बिल्कुल बी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं एंगल है कितना, ये एंगल ई है। ये पांचों आपने उनके इंटीरियर एंगल बिल्कुल वादे तौर पे दिखा दिए। अब आइए जरा एक्सटीरियर पे देखो, ये है एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये एक्सटीरियर एंगल दरअसल ए 180 माइनस ए, तो ये बात दुरुस्त हो जाएगी। भाई क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के 180 बनता है। तो अगर एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल को 180 में से माइनस कर दिया जाए तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप हर एंगल को देखिए। अब जरा बी का एक्सटीरियर देखें, क्या बी का एक्सटीरियर 180 माइनस बी होगा? होगा सर। क्या सी को देखिए, सी का एक्सटीरियर 180 माइनस सी होगा? हाँ जी होगा, 100% होगा। डी को देखें, इसका एक्सटीरियर 180 माइनस डी होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या ई को जाके देखिए, ई का एक्सटीरियर भी यही होगा, 180 माइनस ई। आपने देखा मैंने 6 के 6 एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर वही मैं ले दू 180 माइनस ई तक याद हो जाए, 180 माइनस ई, ये 6 के 6 एक्सटीरियर एंगल आ गए। और मैंने जो थ्योरी लिखवाई है, जो फैक्ट लिखवाया, फैक्ट ये कह रहा है कि अगर मैं इन सारे एंगल्स को ऐड कर लूं, सारे एक्सटीरियर्स को ऐड कर लूं, तो आंसर 360 आएगा। ये थ्योरी हमसे कह रही है, यानी 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, 180 ये हो गया 180 माइनस ए बी सी, 180 माइनस डी और 180 माइनस टी। आपने पांचों एंगल के एक्सटीरियर निकाल दिया और पांचों को ऐड करना है, और मैं ये कहता हूं कि इन सब को ऐड करके आंसर 360 आएगा, गारंटी के साथ आएगा। अच्छा जी आप कह रहे हैं तो आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। अब जरा देखें ये सारे 180 देखें, 180 180 180 180 और सॉरी 180 है, इन सबको अगर मैं ऐड कर लूं तो ये बनता है 900। अब बचा मेरे पास क्या है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ए, ये बच रहा था क्या? अब मैंने क्या करा, इन सब में से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये सॉरी ए नहीं ई है, इन सब में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया।
जैसे ही मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। नहीं कोई भी नहीं जी बेटा। हाँ जी, तो अब आपके पास देख सकते हैं ये पांचों एंगल्स हमने ऐड करना है। लेकिन अब सवाल अजीब सा है, ना ए का पता, ना बी का, ना सी, ना डी, ना ई, कुछ भी नहीं पता आपको। अब ये पांचों का सम आएगा कैसे, और हमारे पास फाइनल आंसर 360 डिग्री आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जरा याद करें, ये पांचों एंगल है कहाँ, ये रहे पांचों एंगल। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये पांचों एंगल इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, बात ये तो दुरुस्त है, ये पांचों के पांचों एंगल इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल हैं। और अगर इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो, अब हमें बताना हो कि पांचों इंटीरियर एंगल ऐड करके क्या आंसर आएगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने पिछले पार्ट में लिखवाया था, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। यानी मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा अगर यहां पर, तो एन की जगह मुझे 5 इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए एन की जगह 5 आ गया, ये इन पांचों एंगल का सम होगा। मुझे नहीं पता एक क्या है, बी सी डी इंडिविजुअली क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है मुझे कि इन पांचों का सम यहां से आएगा। आइए सर का देखते हैं, दिस इज 900, दिस इज 3 इंटू 180, तो बनता है सर का 900 माइनस 540। आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, क्या आंसर आपके पास 360 आ रहा है, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है चेक कर लीजिएगा, आंसर 360 आ रहा है। और यही हमें प्रूफ करना था कि पांचों एक्सटीरियर एंगल ऐड करके जो आंसर आएगा वो 360 आएगा, एंड वी हैव प्रूवन इट। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पॉलीगॉन के लिए ये कंडीशन प्रूफ कर सकते हैं, फॉर एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के लिए ये कंडीशन प्रूफ की जा सकती है। आपको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी भैया जी, आई होप आप ये नोट कर चुके हैं कि आपने देखा किस तरह से पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री प्रूफ किया जा सकता है। ये चीज हमने यहाँ पर लर्न की, यानी आपसे कोई एग्जाम में ये चीज पूछेगा नहीं कि प्रूफ करके दिखाओ, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके बाहर वाले एंगल कितने ही हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 12 हो, 15 हो, उनको ऐड करके आंसर हमेशा 360 आएगा, ना एक डिग्री कम ना एक डिग्री ज्यादा। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा
अच्छा अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन के हवाले से, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हमें बताया गया है ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स की लेंथ बराबर होगी, जिसके सारे एंगल बराबर होंगे, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है जी। अब चूंकि ये बात तय हो गई कि रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एंगल सेम है, तो अगर आप एक एंगल ढूंढ लेंगे यानी कि सारे एंगल आपको मालूम हो जाएंगे। अगर आपने एक इंटीरियर एंगल ढूंढ लिया तो सारे सेम है यानी कि सारे एंगल आ गए आपके पास। अगर आपने एक एक्सटीरियर एंगल ढूंढ लिया तो सारे एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ जाएंगे। ये बात क्या हो रही है इसको समझते हैं जरा। तो रेगुलर पॉलीगॉन में ईच इंटीरियर एंगल यानी हर एक इंटीरियर एंगल बराबर होता है। तो अगर मैं एक इंटीरियर एंगल ढूंढ लूं यानी कि मेरे पास सारे एंगल आ जाएंगे। ठीक है जी। अब जरा याद करें कि आपके पास सारे इंटीरियर एंगल 3 हैं 4 हैं 5 हैं 7 हैं 8 जितने भी हैं उन सब को ऐड करके सम कितना आएगा? सर जी उसके लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं सम का। यानी अगर मेरे पास कोई भी पॉलीगॉन है 3 साइड्स हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं 7 है, मैं यहाँ एन की जगह वैल्यू रखूंगा, मुझे मालूम हो जाएगा कि आखिर सारे पॉलीगॉन के जितने भी एंगल्स हैं उनको ऐड करके क्या आंसर आ रहा है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। उसको अगर मैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दूं तो मुझे मालूम हो जाएगा कि एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है। इसी तरीके से अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, चूंकि जैसे मैंने भी अर्ज किया कि जब पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल सारे सेम हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल भी सारे आपस में सेम होंगे। अगर 5 इंटीरियर एंगल आपस में सेम है तो 5 एक्सटीरियर एंगल भी आपस में सेम होंगे। अब एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका क्या है याद करते हैं सर। हमें पता है कि पॉलीगॉन में जितनी भी साइड्स हों उन सब के एक्सटीरियर एंगल्स ऐड करने के बाद सम आता है 360। ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज्यादा हो सकता है, चाहे पॉलीगॉन की कितनी ही साइड्स क्यों ना हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल चेंज नहीं होने वाला। उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि एक पॉलीगॉन में एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है। तो अगर इंटीरियर एंगल निकालना है एक तो इसके जरिए, एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूला के जरिए आप मालूम कर सकते हैं। बस बच्चे जी आज यहाँ अपने डिस्कशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे प्लीज अटेंडेंस भेजिएगा बच्चा, शाबाश मेरा बच्चा, मुझे एक अटेंडेंस अपलोड जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैठेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को। ठीक है बेटा जी, या से मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।